दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर आईपीएल फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, आईपीएल वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी प्लेयर से बात की जो पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, पीएसएल का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे ये कहते थे कि लाला बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं लेकिन हमें इंडियन आईपीएल वाले ये कहते हैं अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। पीएसएल मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स कौन आता है, कौन आता है, क्या वो ए प्लस प्लेयर्स आते हैं करंट, क्यों नहीं आते, क्योंकि आपका आउटले बड़ा नहीं है फाइनेंशियल। तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने के वजह नीचे आता जा रहा है वो, फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे थे पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास और बड़े नाम आने चाहिए थे लेकिन उसकी बजाय हमारे पास जो पिछले बड़े नाम थे वो भी नहीं आ सके। ये तो बात है, इसकी क्या वजह है? पिछले साल ड्राफ्ट आपका जो कंप्लीट ड्राफ्ट था उसमें 1.3 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल बजट था, यानी आसान जबान में कहते हैं 13 लाख डॉलर का, 13 लाख डॉलर का ड्राफ्ट था सवेरा 13 लाख डॉलर। ये जो बेस प्राइस प्लेयर है ना आईपीएल के अंदर वो 2.5 लाख डॉलर के ऊपर है, यानी 2 करोड़ INR। इमेजिन वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको वहां की क्रिकेट को वो खेले। 3.5 बिलियन डॉलर थी 2014 में, इस वक्त उसकी 12 बिलियन डॉलर है सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। जो भी जो जो उनके राइट्स हैं वो उनके आईसीसी के राइट्स से ज्यादा के हैं। नमस्कार दोस्तों, जय। देखो भाई, इंडिया की यंग ब्रिगेड तो अब रुकने वाली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम रेडी है साउथ अफ्रीका के लिए। बस इस यंग टीम के साथ तुम भी हो जाओ रेडी फॉर बिग विनिंग्स ऑन खेलो स्टार। खेलो स्टार को नहीं जानते तो ये है इंडिया की सबसे टॉप ग्रोइंग गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां मिलता है 1000+ लाइव गेम्स। इसके अलावा स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारे गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और भी बहुत कुछ। सारे स्पोर्ट्स की हर मेजर लीग तुम यहां पर फॉलो कर सकते हो जैसे बिग बॉस लीग, प्रो कबड्डी और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज। और अपने स्पोर्ट्स नॉलेज से तुम जीत सकते हो अप टू 10 करोड़ ग्रैंड रिवार्ड्स। स्पोर्ट्स के अलावा भी 1000 से ज्यादा गेम है तो अपने मूड के हिसाब से गेम खेलो और वो भी कम्फर्ट फ्रॉम योर होम। साइन अप के साथ आपको मिलता है 100% फ्री एंड इंस्टेंट वेलकम बोनस जिसको यूज करो खेलने में और जीतने में। साथ ही लॉयल्टी पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर्स और लाखों के ग्रैंड प्राइज जैसे कि रिवार्ड्स एक्सप्लोर करो। पाकिस्तानी मीडिया की तरह ये कैशबैक सिर्फ नाम की नहीं है, काम का भी है, जिसका यूज करके आप अपने फेवरेट गेम खेलो और इंस्टेंट विनिंग करो। ऊपर से कोहली की कवर ड्राइव से भी तेज विनिंग्स 60 सेकंड में अपने बैंक अकाउंट में उड़ा करो। थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर इस पे रोज खेलते हैं और जीतते हैं तो सेफ्टी के लिए कोई भी इशू नहीं। और सबसे बड़ी बात, साइट पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। बस सिंपली अपने फोन और लैपटॉप से www.khelostar.com ओपन करो और इंस्टेंट विनिंग करो। पिन कमेंट में दी गई साइट से अभी रजिस्टर करो तो फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेगी 5% फ्री, वो भी बिल्कुल। फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। बात घूम फिर के वही आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है, उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अच्छे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही है वो वैसे भी ज्यादा हो रही है। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। अब आप आ जाएं इंडिया, 2007 दे लूज टू बांग्लादेश इन द वर्ल्ड कप, वहां पे इन्होंने इसको लिया कि यार क्या करना है। पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से तब तक, उस वक्त उन्होंने गए, उन्होंने आईसीएल को खत्म कराया इंडियन क्रिकेट लीग को जो कपिल देव की थी, बोर्ड ने रिकॉग्नाइज किया इंडियन प्रीमियर लीग को। इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कहा कि आम आवाम का कनेक्ट, एक क्रिकेट है वो तो अब हार चुके हैं, दूसरा बॉलीवुड है, उन्होंने उस टूर्नामेंट को बॉलीवुड के साथ इंटीग्रेट किया, तो वो एक आपके और मेरे तक एक चाम पहुंचा। उन्होंने उसमें एंटरटेनमेंट डाली और उसके बाद बैकड्रॉप में उनके भी बहुत कुछ होता है आईपीएल की बात, लेकिन वो रेवेन्यू उन्होंने आँखें बंद की। वो जब रेवेन्यू आना शुरू हुआ उस रेवेन्यू की इन्होंने जो एलोकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है उस रेवेन्यू की वो प्रॉपर की, और साथ उन्होंने आईपीएल के इतना बड़ा कर दिया प्लेयर्स को कि जो अभी इंडिया नहीं भी खेला होता उसकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, उसको अर्न कर लेता। अब आपका कॉम्पिटिशन देखें, इंडिया 3 टीमें निकाल सकता है, ठीक है, कितना साल लगे
उन्होंने 2009 में पहला आईपीएल हुआ था। हाँ जी, तो अब आप देख लें 14 साल में उन्होंने दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया का बेस्ट स्टॉक, दुनिया की बेस्ट टीम, उन्हें पहला कर। पीएसएल तो हमारे पास भी हो रहा है। आपने पीएसएल के साथ क्या किया? पीएसएल मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स कौन आता है, कौन आता है, क्या वो ए प्लस प्लेयर्स आते हैं करंट, क्यों नहीं आते, क्योंकि आपका आउटले बड़ा नहीं है फाइनेंशियल। अब आईपीएल जो है वो $3 बिलियन का उसका टोटल ये था, टाइटल जो है ब्रांड वैल्यू $3.5 बिलियन थी 2014 में, इस वक्त उसकी $12 बिलियन है सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। जो भी जो जो उनके राइट्स हैं वो उनके आईसीसी के राइट्स से ज्यादा के हैं। एग्जैक्टली ये बात कर रहा हूं। सो आपने क्या किया, अब आपने सैचुरेट कर दिया। अच्छा, फिर आपने ड्राफ्ट सिस्टम रखा, आपने ऑक्शन सिस्टम नहीं रखा। ऑक्शन इसलिए नहीं रखा कि यार, अच्छा फिर सीलिंग, हालांकि पीसीबी ने उनको सीलिंग दी थी फ्रेंचाइजेस को कि चलो हम डॉलर को लॉक कर लेंगे, लेकिन कितना वो लेंगे, ठीक है। सो आपने आउटले बढ़ाए नहीं, कॉम्पिटिशन बढ़ा नहीं। अच्छा, इसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया फाइन। अब नुकसान क्या है, एक तो पीएसएल रिडंडेंट होती जा रही है, स्टैग्नेट हो गई है, वही 4-5 8 अरब इधर हो गया उधर हो गया। उसके बाद जो दूसरी हुआ कि ये फ्रेंचाइज वाले प्रधान बन गए, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, वो आधे पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में घुस गए, कुछ पीसीबी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम की तहस नहस करके रख दी। यकीन करें कि शर्म आ रही थी देखते हुए कि मतलब कि अब ये खिलाड़ी पीएसएल आके खेलेंगे, और प्लेटिनम के अंदर उनको रजिस्टर करवाया पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं, कि उन्होंने किन खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाया। मेरा तो खून जिसको कहता है ना खोलने लग गया कि जब मैंने नाम पढ़े, कोई बड़ा नाम नजर ही नहीं आया। पिछले सीजन में फिर डेविड मिलर था, पिछले सीजन में फिर टिम डेविड था, पिछले सीजन में हैरी ब्रूक वगैरह थे, सैम बिलिंग्स वगैरह थे, इस सीजन में तो वो भी नजर नहीं आ रहे। वो खिलाड़ी प्लेटिनम के अंदर आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम ही सुना नहीं का यार अब्दुल्ला, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो देख रहा हूं, नाम ही मैंने सुना नहीं कभी इनका। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने के वजह नीचे आता जा रहा है। वो फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे थे, पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। वो यार आप कोई प्लेयर तो चचका लेकर आओ, ये क्या खिलाड़ी है। मैं आपको नाम बताता हूँ पीएसएल में जिन खिलाड़ियों ने पड़े हैं ना यार, उनका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना। पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी जिसकी प्राइस होती है 4.5 करोड़, उससे ज्यादा भी चली जाती होती है, उस कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों ने पीएसएल के अंदर रजिस्टर किया है उनके आप नाम सुने जी। डेनियल सैम एस्टन आगर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम जानते भी नहीं ऑस्ट्रेलिया कौन से खिलाड़ी प्लेटिनियम में। वेयर इज जॉस बटलर, वेयर इज मोइन अली, बटलर मोइन अली भाई, लियाम लिविंगस्टन किधर है, लिविंगस्टन खेला हुआ है, हैरी ब्रूक नहीं है, ये खेले हैं या पीएसएल पहले यार। तो ये देख रहा हूँ कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास और बड़े नाम आने चाहिए थे, लेकिन उसकी बजाय हमारे पास जो पिछले बड़े नाम थे वो भी नहीं आ सके। ये तो बात है, इसकी क्या वजह है। वार्नर, डेविड वार्नर ने रिफ्यूज कर दिया पीएसएल खेलने से, ये भी न्यूज आई है अभी, डेविड वार्नर हैज रिफ्यूज। वो नहीं चाहते पीएसएल खेलना, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हद है वैसे, इतना दुख हो रहा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। किधर है मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी आप कह दें। ये ऑस्ट्रेलिया के जो दो खिलाड़ी, सिर्फ दो ने साइन अप किया, और उन्होंने भी वो उनको तो हम जानते ही नहीं है यार। मैं हैरान हूँ ऑस्ट्रेलिया के जिनके उन्होंने कर, और वो भी प्लेटिनियम में, जिसका नाम भी नहीं सुना जिनका कभी। वही तो बात है, सारी की सारी उन खिलाड़ियों को लेके चले गए। अब इस प्लेटिनम में से मेरा हूं मैं ना, तो मैं एक भी खिलाड़ी पिक ना करूं, मैं पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक करना बेहतर समझू। अभी भी जो आज करंट दुनिया के नाम है, जेरल कोजी है, मार्को येंसन, आपके रचिन रविंद्रा, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, वी आर नॉट अट्रैक्टिंग देम, क्विंटन डी कॉक, मतलब यार पता नहीं हम कहां जाएंगे, किस सेंस में बैठेंगे। मतलब हम तो छोड़ ही देना कि कभी बेन स्टोक्स वाली कहानी हम कभी सोचे भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भाई साहब कोई इमरजेंसी कॉल लगानी पड़ेगी, आपको फ्रेंचाइजेस के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं तो दो साल भी नहीं कहता, आप एक साल के अंदर तबाह बर्बाद होकर साइड में हो जाओगे। मतलब यू विल बी इन अ पोजीशन जहां आपका मुकाबला शायद छोटी थर्ड टायर लीग से हो रहा होगा, मतलब आप सेकंड टायर की कैटेगरी से भी निकल जाओगे। ये अनफॉर्चुनेट वाक्य है भाई, पाकिस्तान सुपर लीग हमारी लीग है। पिछले साल ड्राफ्ट आपका जो कंप्लीट ड्राफ्ट था, उसमें $1.3 मिलियन का टोटल बजट था, यानी आसान जबान में कहते हैं $13 लाख का, $13 लाख का ड्राफ्ट था सवेरा, $13 लाख आईपीएल में। वैसे तो आईपीएल का किसी से भी कंपैरिजन नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आईपीएल का तो अगले 10 साल भी कोई करीब नहीं भटकने वाली आईपीएल के। ये जो बेस प्राइस प्लेयर है ना आईपीएल के अंदर, वो $2.5 लाख के ऊपर है, यानी 2 करोड़ INR। इमेजिन बेस प्राइस जहां से बेट शुरू होती है। अब जितना इनफॉर्म प्लेयर, जितना इन डिमांड प्लेयर, अब जैसे वाइनेंडू हसरंगा हो गया, जॉश हेजलवुड हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, ये सारे आप देखिएगा, ये 2-2 करोड़ पे तो नहीं बिकेंगे, ये जाके बिकेंगे कुछ बेस प्राइस, अपनी बेस प्राइस से भी कोई 3x 4x 5x वाली कैटेगरी आपको दिख रही होगी। अब जितने का वहां प्लेयर बिक रहा है बड़ा नाम, मतलब मैं टॉप लीडिंग नाम की बात करता हूँ, तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस की मैं बात करता हूँ, वहां आप देख लीजिए 10-12 करोड़ से कम नहीं बिकेगा। 10-12 करोड़ की तो आपकी टोटल कॉस्ट नहीं है आपके ड्राफ्ट की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे शाहिद अफरीदी आईपीएल को लेकर रो रहा था कि भाई
आईपीएल की वजह से पीएसएल में खिलाड़ी फॉरेन प्लेयर नहीं आ रहे, तो भाई अगर नहीं आ रहे तो तुम भी उसको पैसा दो, नहीं पैसा अपने पास है और इतनी बड़ी बड़ी बातें और बकेती करना फिर भी टीवी पे आकर आपको शोभा नहीं देता है भाई। आप खुद पैसा कमाओ और पीसीबी को बोलो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा फॉरेन प्लेयर को दे, ताकि जो फॉरेन प्लेयर है वो आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पीएसएल भी जाकर खेले। लेकिन आपकी औकात नहीं है पाकिस्तानी, आपकी औकात नहीं है कि आप फॉरेन प्लेयर को 12 करोड़ 14 करोड़ देंगे। आपके तो इतने में आप एक टीम बन जाता है, तो आप क्या पैसा दोगे? मतलब बेन स्टोक्स को आप लाओगे, मिचेल स्टार्क को आप लाओगे? ये भूल जाओ, ये सपना है पीएसएल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।